हेलो गाइस, और कल आपने जैसा देखा ब्लॉग में, हम लोग घूमने गए थे और मम्मी पापा को ये जगह काफ़ी अच्छी लगी उनने काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज म्यूनिख से जाते से ही पहाड़ दिखने लगते हैं और ये सबसे अच्छी जगह होती है। हम लोग जैसे ही कोई आता है तो हम यहाँ लेके जाते हैं और ये काफ़ी अच्छी जगह है, उन्हें अच्छी लगी। आज हम लोग जाने वाले हैं, एक बहुत बड़ा वर्ल्ड बिगेस्ट ऑटो शो होने वाला है म्यूनिख में, तो मैं वो दिखाने जाने वाली हूँ। उसका पूरा जो एक वीडियो है जिसमें आपको बहुत सुंदर सुंदर कार्स देखने मिलेगी, वो हमारे मेन चैनल पे मिल जाएगा, इंडियन गर्ल इन यूरोप। बट इस ब्लॉग में आप देख सकते हो थोड़ी सी हाइलाइट्स की, किस तरीके की गाड़ी है, कैसे शोज होते हैं यहाँ पर, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगा। एकदम सेंटर सेंटर में हो रहा है, तो अब हम लोग जल्दी से तैयार होते हैं और निकलते हैं उसके लिए। So welcome to IAA Mobility 2023. Let's go. तो ये इस तरीके के जो है वो स्टेशन लगा रखे हैं, कोई भी यहाँ पर आके पानी जो है पी सकता है, ये वाटर का स्टेशन है। दीपक, मुझे तो लग रहा है बियर भी फ्री में दे रहे हैं। अब हम खड़े हैं BYD के सामने, ये इलेक्ट्रिक लाइक चाइनीज कंपनी की कार है। और हाँ, आप सारी गाड़ियों में अंदर बैठ के सारी फीचर्स अंदर के देख सकते हो, बाहर को भी टेस्ट कर सकते हैं, और हाँ फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी ले सकते हैं। एंड मैं क्या, दूसरी कंपनी के भी लोग यहाँ के प्राइजेस देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रहे हैं। ये सिर्फ जो गाड़ी है ये 35,990 यूरोज की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप है। एंड हाँ, बहुत सारे स्टॉल्स भी हैं खाने पीने के यहाँ पर। पीछे जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टैंड है, वो है स्मार्ट का। स्मार्ट भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं, बट पीछे जो इन्होंने डिस्प्ले में लगाई है वो सारी इलेक्ट्रिक कार्स है। इंटरेस्टिंग चीज़, बच्चों के लिए सिनेमा भी लगा रखा है। The next day. और ये जो है, ये मैंने पहली बार ये ब्रांड सुना है, अवतार। ये चाइनीज कंपनी है, पर कार जो है वो बहुत ही धासु है। ये जो है रिमैक, ये चाइनीज कंपनी है। ल्यूसिड, मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र जो है वो यहाँ पर काम करते हैं, तो ये अमेरिकन कंपनी है, उससे मैं जानती हूँ। मॉडल 3 देखेंगे, टेस्ला की न्यू कार। आई थिंक आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, लेट्स सी दैट। सुंदर सुंदर कार्स हैं क्या, मुझे टेस्ला बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। गजब बेइज्जती है। मम्मी पापा के लिए इंडियन मैच मेकिंग, इसमें बहुत ड्रामा चलता है, तो आज बोर होंगे तो यही देखेंगे। अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है, अच्छी लग रही है। कपड़े गए, अभी मैं छोटी राधा हूँ। दादी कपड़े नहीं लाए आपको? बड़ी राधा वाले? राधा बनूंगी जा, अगले छाल ला, अभी छोटी राधा हूँ। कैमरे के ऊपर तेरा कैमरा छीनेगी। आजा। सीटी के पास से डर गए। समोसा एक्सपर्ट आ रहे हैं। इतना सही, एक मिनट रुको मैं बंद करूं। हाँ, अब देखो थोड़ा करूं ढी, और थोड़ा पानी डाल दो। कचौड़ी खाएगी तो ना मेरे नाम पे, आप सब लोग खा लोगे बहुत छाले, फिर मैं जब बली हो जाऊंगी तो मैं भी बहुत छाले खा लूंगी। अब परफेक्शन देखना पापा का। मम्मी की बातें सुनो, मैंने वो मैरिज कौन सा इंडियन मैच मेकर लगाया था, तो कह रही है कि मुझे क्या हो गया, क्या हो गया, मुझे कुबकाई सी आ रही है, मन भर गया देख देख कर। क्यों, क्या हुआ ऐसा उसमें? एक लड़की कह रही है मुझे शादी में बच्चे ही नहीं चाहिए। अब बच्चे नहीं चाहिए तो पता और कौन चाहिए, तू भी तो कभी बच्ची नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बच्चों से तो अच्छा ही लगता, देख हमारी बच्ची कैसी रौनक करे फिर सारे घर में। और
कह रही है मुझे बच्चे नहीं चाहिए, ऐसा सड़ा सा मुंह बना रही है। रात में ही बच्चे नहीं आने चाहिए। देखो भाई एक जैसे समोसे देखो, ऐसे देखो तारा, ऐसे ऐसे घूम घूम। और चलना ये देखो हो गए शुरू सिकने, गर्मा गर्म समोसे आ जाओ जिसने खाने हैं। तेला लगा लेते हैं, पहले मैं खा लूँ उसके बाद। बहुत कचौड़ी खाने का मन हो रहा था तो कचौड़ी भी बन रही है, और मम्मी पापा खाएंगे क्योंकि उनको भूख लग रही होगी। लग रही है कि नहीं? अभी नहीं, इंडिया के हिसाब से तो बच चुके हैं 12। अभी देखो चल रहा है, अभिषेक चल रहा है, हो गया। अच्छा जैसे ही अभिषेक खत्म होगा फिर खा सकते। The next day. जैसे फिर से हलवा बन गया। आज भी कोई तो पूजा है, मम्मी नवी वगैरह जो है वो पूज रही है। मम्मी कल से बहुत तबीयत खराब हो गई है, और पापा की भी, मम्मी ने सबको सर्दी दे रखी है। सबसे पहले मम्मी को ही, फिर तारा को ही सर्दी जुकाम, अब मुझे हुआ है और पापा को हुआ है। लग रहा है कि दीपक को भी होगा। आज मुझे ना तारा का रेसिडेंट कार्ड के लिए जाना है, तो मैं जल्दी से जाती हूँ मम्मी, जब तक इसे देख लूँ। कॉमेडी हो गई, मैं ना बस से उतरना ही भूल गई और मैं दूसरे एंड पे आ गई, तो जितना मुझे वहाँ से चलना पड़ता था अभी इधर से भी, तो अपने दूसरे वैसे बैठी हूँ। टिकट तो मैंने खरीद लिया था, एक घंटे तक ये वैलिड है, तो ये जल्दी से चल गया। अच्छा पता नहीं क्या पंचायत हमारे मोहल्ले के लिए वहाँ से चालू हुई, अभी पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, खाली है पूरी जमीन। सारा देखते हैं कैसी है। देखते हैं। ओए क्या हो गया? हाँ। अरे मुझे कुछ देख। अरे बाज 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 बाज। अरे बाज भैया। अरे बाज। तुझे मारते हैं क्या वो घर में? जब डैडी को देख के ऐसे भागी। One eternity later. Tara, first break. Doo doo time. अरे नहीं आना. Doo doo नहीं पीना. Camera देखना है. तो guys अभी हम लोग मम्मी पापा को लेके एक जगह जा रहे हैं. अभी आप लोगों को भी लेके चलेंगे. और तारा को आजकल गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है. बिल्कुल फट जाती है थोड़ी देर में. भूख लग रही है पर जैसे बाहर निकले देखो कितनी हैप्पी है. और जो बोलते हैं सीधा बच्चा है, सीधा बच्चा नहीं है. मम्मी पापा ये खड़े हिप हॉप मम्मी को दिखा दो जरा. हिप हॉप मम्मी दादा गाड़ी में बिल्कुल नहीं सोती, रोने लगती है. तो देखो मम्मी कैसे सुला रही है. मम्मी वहां सुला रही है. एक का सिक्का. हाँ वैक्यूम करना है क्या? हाँ है यहाँ पर वॉश भी है और वैक्यूम करने का भी है. गाड़ी बहुत गंदी हो रही है तो दीपक करा लेगा. तो ये जो पीछे दिख रही है मशीन, इसमें वैक्यूम कर सकते हैं. एक यूरो लेते हैं 5 मिनट के. तो अब लो दीपक, 1 यूरो पहले तो ढूंढना पड़ा क्योंकि कैश ही लेते हैं इन मशीन्स में. ये मेरी जायदाद मैं तुम्हें दे रही हूँ, वापस कर दे. 5 मिनट चले. हाँ पता है मुझे, 1 यूरो में 5 मिनट चले. तो दीपक ने वहाँ पर फाइन डाला, बस ये चालू हो जाएगी. तारा को सिर्फ मम्मी ही सुला सकती है. सो गई यहाँ पर. बर्ग में भी आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं. देखो कितने लोग कर रहे हैं, कितने ऊंचे तक चले जा रहे हैं. ना डरने लगता है ट्रैक मोड में. जोर से बोलो जय माता दी. ऐसा लग रहा है. तो हाइक करके जाएंगे, नहीं तो यहाँ से केबल कार का टिकट लेंगे जो एक जन का 25 यूरो है. केबल कार में बैठी वो लोग दूसरे में आएंगे क्योंकि दो ही बैग बैग साइड पर रख ले. चले तारा बाय, ऊपर मिलते. मम्मी से बोले कि मम्मी पापा एक में बैठ जाओ, तो कहती नहीं.
इतना डरती है मम्मी। पेड़ की चोटी पे पहुंच गए तारा। लोग जो है ना ये हाइक करके आते हैं यहाँ पर मम्मी, ज्यादातर लोग केबल कार से नहीं आते, ज्यादातर लोग हाइक करके जाते हैं ऊपर तक। पर ऑफ कोर्स हम तो आ गए, पापा के पैर में भी दिक्कत है और मम्मी भी इतना नहीं चल पाएगी और हम भी नहीं चल पाएंगे तारा के साथ। तारा तो केबल कार से आ जाएगी, ऊपर से व्यू पाएगी। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि व्यू बहुत अच्छा लगता होगा ऊपर से, ये पूरा लेक दिखता होगा। मजेदार है, बिना कोई मेहनत करे हुए पहुंच जाओ ऊपर, पहुंच जाओ बैठ जाओ। क्या पता इससे इतना टाइम लग रहा। ये देखो तारा, तारा केचप पोपला मुंह बना रहा है भैया। तारा आजकल ऐसा करना सीख गई। तारा कैसे करते हो, तारा कैसे करते हो, तारा को तो कैमरा तो चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट व्यू में तो बहुत सुंदर है, एक्चुअली हम बहुत ऊपर आ गए ना केबल कार से। देखो पापा मुझे रोज लाया करो, मुझे बहुत पसंद है घूमना। पोपली बढ़िया, ये जो उड़ा है जो मैं न्यू समझ रही, न्यू पकड़ कर न्यू उड़ा है खड़े खड़े। हाँ तो ये बैठे बैठे उड़ा है उसमें आपको डुगडुगी में बैठी जब तक एक चेयर खाली है वहाँ बैठना होता। पर मैंने सोचा ही ना, मैं तो बस सामने देखती रही यही। ये देखो इस तरफ लेक है, ये पूरा पहाड़ों से है केबल कार। ये है हमारा व्यू आज का, और लोग बिल्कुल मस्ती नहीं कर रहे, आवाज भी नहीं कर रहे थे, हम भी चुप है क्यों, इतने लोग खड़े हैं यहाँ देखो, पर आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल शांत है यहाँ। वैसे अभी हम लोग हैं वैलबर्ग में, जो कि हाइक है अराउंड 2 to 3 hours ऊपर तक पहुँचने की। लोग जो है वो सुबह से ही हाइक स्टार्ट करते हैं टू रीच दिस पॉइंट। संडे को लोग जो है वो कैसे इंजॉय करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हाइक कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ अपना खुद का पर्सनल पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, नीचे जो है वो बोटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ लोग जो है वो अपना व्यू एंजॉय कर रहे हैं। इस तरीके से लोग अपना संडे जो है वो स्पेंड करते हैं जर्मनी में। ये कितना अच्छा लग रहा है, ये चर्च इन लोगों ने ऐसे बना रखे हैं एकदम ऊंचाई ऊंचाई पे, जो खूब सुंदर लगते हैं। क्या सही व्यू है, दीपक मम्मी पापा का ले रहा है यादगार के लिए। डर लग रहा है, देख कैसा मुंह बना रही है, लग रहा है। देख देख गंदा सा मुंह है। वेडिंग फोटो शूट भी कराने आते हैं। बढ़िया है ना दीपा, अच्छा लग रहा है। मुझे भी फिर से वेडिंग करनी है, और उससे पहले वेडिंग शूट, दो शूट किए थे, एक तारा के साथ और एक खुद के साथ, बहुत मुश्किल था दोनों। तारा मजा आ रहा है तारा को बहुत दीपा। ये इनका बियर गार्डन है, अब हम कुछ खाएंगे। क्या खाओगी मम्मी? जिसमें अंडा ना हो। वो तो बहुत मुश्किल है मिलना। पापा आप क्या खाओगे? कुछ नहीं खाया। आप क्या खाओगे? मम्मी अपना जो लाई है वो खाएगी। दीपक क्या खाओगे? मुझे तो राजला। वेटर से भी नमस्ते और फिर मिलेंगे बुलवा दिया। क्यों मम्मी? और क्या, अब लग रहा है इंडिया है। बहुत अच्छा, मतलब वही सनसेट का टाइम है तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और लोग भी थोड़े कम हो गए हैं, जबकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो थोड़ा सा बस टाउन घूमेंगे और फिर घर जाएंगे वापस। तारा की खांसी की वजह से तारा जगना जाता, खांसने के लिए वहाँ गई, फिर भी तारा जग गई। तुम भी बता दो क्या हुआ। तुरंत कर ली। ये जो है ना ये नगर पालिका का ऑफिस है पीछे, तो मेरे पापा पिछली बार आए थे तो कहते थे तुम लोग ना पॉलिटिक्स में हो जाओ और चुनाव वनाव लड़ लो। उन्हें लगता है मतलब इनोसेंसी की बहुत ही ईजी है, पर आप लोगों को पता होगा कि कितना डिफिकल्ट है। ये है काफी सुंदर है, क्योंकि एकदम बिल्कुल लेक ये है और ये है, और वो फूलों से सजा हुआ है तो बहुत सुंदर। बोल दो मम्मी सब्सक्राइब कर दो, आपके कहने से शायद कर दें। क्या सब्सक्राइब? सरप्राइज। सरप्राइज कर दो भैया, सब्सक्राइब कर करके सरप्राइज कर दो सर। कर दो। होप आपको हमारा आज का दिन अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें बिना मत जाना, और जैसा मम्मी ने बोला
सब्सक्राइब कर करके सरप्राइज कर दो। तारा अब 8 महीने हो गई और 8 महीने की हो गई और देखो केक कट रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। जरा सा बस ऐसे क्रीम से चटा दो बस बहुत मीठा आ गया। पूरा नहीं भैया। कैसा है? अच्छा। ये हम लोग वीगन केक लाए जो अभी अभी आने लगा है यहाँ पर और काफी अच्छा है। मावे की मिठाई होती है ना।